नमस्ते दोस्तों, जीरो डिजिट की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वोकैब का पार्ट थर्ड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये शानदार वर्ड्स है, इनको हम निमानिक्स के तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बोलता है अब्लूशन, उसका मतलब होता है वॉशिंग, है ना। अब याद कैसे रखेंगे, तो अब्लूशन को हम ब्लू सॉल्यूशन बोल सकते हैं, और ब्लू सॉल्यूशन फॉर वॉशिंग, है ना। तो इस तरह से इसका मतलब वॉशिंग हमें याद रखना है। नेक्स्ट है अबनिगेशन। अबनिगेशन का मतलब होता है रिनन्सिएशन या फिर सेल्फ सैक्रिफाइस, सेल्फ एबनिगेशन, है ना। तो ये सेल्फ सैक्रिफाइस को याद रखो। इसको कैसे याद रखना है, अबनिगेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अब नहीं गेट, है ना, अब नहीं गेशन, तो अब नहीं गेट, अब नहीं मिलने वाला। तो इसी तरह से ये सेल्फ सैक्रिफाइस कर लेना है हमें, है ना। अब नहीं मिलने वाला तो ठीक है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं खुद के साथ में। तो इसी तरह इसका मतलब आप याद रख लेना है। नेक्स्ट वर्ड है एबोलिश, है ना। एबोलिश को कैसे याद रखना है, देखो एबोलिश का मतलब क्या होता है, कैंसल, पुट एन एंड टू, गेट रीड ऑफ, है ना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना है पूरी तरीके से, है ना, उससे बाहर निकलना है, उसे डिलीट करना है, कैंसल करना है। तो यहाँ से याद रखो एबोलिश को अपॉलिश करके याद रखना है ना, अबोलिश अपॉलिश। तो ये पॉलिश क्या करते हैं, हम शूज़ को पॉलिश करते हैं ना, क्यों पॉलिश करते हैं, पुट्स एन एंड टू द डलनेस ऑफ शू, शू का जो डलनेस है उस पे जो डर्ट है उसको एकदम से ख़त्म कर सके, तो ये पॉलिश यूज़ करते हैं ना, तो इसी से याद करना है अबोलिश, जो ख़त्म कर देता है, कैंसिल कर देता है, डिलीट कर देता है, पुट एन एंड टू, गेट रिड ऑफ, है ना। तो इस तरह से हमें याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अबोमिनेबल। अबोमिनेबल को कैसे याद रखोगे, तो पहले तो मतलब जान लो, तो इसका मतलब होता है डिटेस्टेबल, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, है ना, आपको बहुत ही उसका तिरस्कार है, पसंद ही नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप उसे हेट कर रहे हो, है ना। तो ये से याद रखने के लिए देखो अबोमिनेबल है तो अब ओमीन इसमें आ रहा है ना, अब ओमीन, तो ओमीन को ओमिटिंग बोल सकते हैं। अब ओमिटिंग जैसा फीलिंग आ रहा है, मतलब क्या है, बहुत सारा अनप्लीजेंट फीलिंग आ रहा है ना, तो ये एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट है, आपको बहुत घृणा आ रहा है, आपको बहुत तिरस्कार हो रहा है, आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, है ना, इसलिए तो ओमिटिंग जैसी फील आ रही है। तो अब ओमिटिंग, अब ओमिनेबल, अब ओमीन, अब ओमिनेबल को याद रखना है आपने। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, देखो बोलता है एब ओरिजिनल, है ना, एब ओरिजिनल, इसका मतलब होता है इंडिजिनस, नेटिव, प्रिमिटिव, या फिर बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन अ रीजन, उसकी तरीका का वो एक ही हो, या फिर सबसे पहला बंदा, या फिर इंडिजिनस, या फिर नेटिव, जैसे नागपुर की संतरी होती है वो इंडिजिनस कहलाती है ना, तो इसी तरह से ये एबोरिजिनल होता है। इसको याद रखने के लिए देखो इसका स्टार्ट ही ए बी से है और ओरिजिन बोला है ना, एब ओरिजिन, तो ए बी सी डी जब हम बोलते हैं ना इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसमें एकदम स्टार्टिंग में ही ए बी सी डी को ए बी आता है ना, तो एब ओरिजिन, ओरिजिन यानी क्या, प्रिमिटिव, तो उसकी ये क्या है, प्रिमिटिव है, इनिशियल्स होते हैं, तो इसी तरह से इसका मतलब भी हम याद रख सकते हैं, और इसका मतलब इंडिजिनस भी होता है, और बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, उसी उसके तरीके का वो खुद ही है, अकेला है ना, तो ऐसे करके इसे याद रखने की कोशिश करना है। नेक्स्ट है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब क्या, अनसक्सेसफुल और ये फ्रूटलेस, है ना, जो भी अनसक्सेसफुल है या फिर जिस काम से कोई फ्रूट नहीं मिलने वाला है ना, फ्रूटलेस, तो ऐसा इसका मतलब होता है। याद रखने के लिए देखो ये अबॉर्ट से याद रख लेना, अबॉर्ट, थिंग्स आर अबॉर्टेड व्हेन इट सीम्स दैट इट वुड बी अनसक्सेसफुल एंड फ्रूटलेस, तो जो चीज़ें हमें कोई फ्रूट नहीं दे सकती, कोई सक्सेस नहीं दे सकती, हम उसे क्या करते हैं, अबॉर्ट कर देते हैं, है ना, तो इसी तरह से ये अनसक्सेसफुल और फ्रूटलेस को याद रखना है, अबॉर्टिव, है ना। नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे वर्ड
बोलता है अब्रेसिव, तो अब्रेसिव का मतलब होता है रबिंग अवे या फिर हार्श। तो ये अब्रेसिव को ऐसा प्रोनाउंस कर सकते हैं ना, अग्रेसिव की तरह लगता है हमें, अब्रेसिव अग्रेसिव। तो अग्रेसिव जो भी आदमी है वो थोड़ा हार्श बिहेवियर का होता है ना, तो उसे हम रबिंग अवे कह सकते हैं या फिर हार्श टाइप का होता है अब्रेसिव, है ना। तो बात में ही थोड़ा हार्शनेस है ना इसके, अब्रेसिव जो बोलते हैं तो हार्शनेस नाम से ही लगता है थोड़ा सा। नेक्स्ट वर्ड है अब्रीज। अब्रीज का मतलब क्या होता है, कंडेंस करना, उसको शॉर्ट कर देना, शॉर्टन है ना, छोटा करना। तो इसे याद रखने के लिए ब्रिज को कल्पना करिए, जो ब्रिज होता है ना, अ ब्रिज। तो ब्रिज किसके लिए होता है, शॉर्टन द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम को बहुत छोटा कर लेता है ना। लंबे रास्ते से जाओ उसके अच्छा अच्छा है ब्रिज से चले जाओ, टाइम शॉर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब शॉर्टन हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आज के वर्ड। तो यहाँ पे वर्ड पूछा है देखो, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया को हमें इसका सिनोनिम बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, अ फियर ऑफ क्लोज सराउंडिंग, अ फियर ऑफ ओपन सराउंडिंग, अ फियर ऑफ कैलकुलेशन, या फिर फियर ऑफ हाइट्स। तो देखो एक्रोफोबिया का सही सिनोनिम होता है यहाँ से ऑप्शन डी, फियर ऑफ हाइट्स, है ना। यहाँ पे देखो अक्रो बोला है ना, क्रो यानी क्या, कौवा, कौवा, और फोबिया मतलब फियर। कौवा तो आसमान में उड़ता है ना, तो आसमान में हाइट पे उड़ता है, और फोबिया का मतलब वैसे ही फियर होता है। तो यहाँ से याद रखो ये फियर ऑफ हाइट्स एक्रोफोबिया का मतलब होता है, क्रो से याद रख लेना। नेक्स्ट है एक्सएसरबेट का मतलब पूछा है, एक्सएसरबेट का सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन में दिया है मेक बेटर, मेक वर्स, टू इंटरप्रिट, या फिर इंक्रीज द स्पीड। तो एक्सएसरबेट का सही मतलब होता है दोस्तों ऑप्शन बी, मेक वर्स, किसी चीज़ को और गंदा बना देना, है ना, है उससे भी और गंदा बना देना कोई कंडीशन को, तो ये एक्सएसरबेट हो जाएगा। ठीक है, तो मेक वर्स को याद रख लेना। ठीक है, कभी कभी हालात है उससे भी और ख़राब बना देते हैं कोई कोई लोग, तो वो एक्सएसरबेट करते हैं सिचुएशन को। तो देखो आज के पढ़े हुए वर्ड्स को यहाँ से देख लो, यहाँ पे क्या हुआ है, अब्लूशन है ना, हमने पढ़ा था अब्लूशन को ब्लू सोल्यूशन से जो वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखा था अबनिगेशन, उसको हमने बोला था अब नहीं गेट, तो अब नहीं मिलने वाला है इसलिए खुद के साथ क्या कर रहे हो, सेल्फ सेक्रीफाइस। नेक्स्ट देखा था अबोलिश, उसे याद रखा था, अपॉलिश से जो पॉलिश को यूज़ करके हम शूज़ के ऊपर का जो गंदापन है उसे कैंसिल कर सकते हैं, पुट एन एंड टू, गेट रीड ऑफ, है ना। नेक्स्ट देखा था अबोमिनेबल, तो अबोमिनेबल के नाम में आता है अब ओमीन, ओमीन यानी क्या, ओमिटिंग, और ओमिटिंग को जैसे ही हम सोचते हैं तो बड़ा अनप्लीजेंट फील करते हैं ना, तो ये वेरी अनप्लीजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, डिटेस्टेबल होता है अबोमिनेबल। नेक्स्ट है एबोरिजिनल, तो एबोरिजिनल में ए बी सी डी जो आ रहे हो स्टार्टिंग में ओरिजिन है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो ये प्रिमिटिव टाइप का हो गया, है ना, प्रिमिटिव, नेटिव, इंडिजिनस, और इसके टाइप का यही एक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। नेक्स्ट देखा था अबोर्टिव, अबोर्टिव को अबॉर्ट से याद रखा था हमने, जो कि अनसक्सेसफुल है, फ्रूटलेस है ना, उसका कोई फायदा नहीं हुआ है करके भी, तो ऐसे फ्रूटलेस चीज़ों को अबोर्टिव बोलना है। नेक्स्ट है अब्रेसिव, अब्रेसिव को प्रोनाउंस कैसे होता है, अग्रेसिव के जैसा, और अग्रेसिव बिहेवियर क्या होता है, हार्श बिहेवियर होता है, तो अब्रेसिव का मतलब हार्श होगा या फिर रबिंग अवे, है ना, घिसना वगैरह। नेक्स्ट है अब्रीज, अब्रीज को हमने ब्रीज से याद रखा था, जो हमारा टाइम को शॉर्ट बना रहता है ना, शॉर्ट टर्न, तो इसका मतलब होता है शॉर्ट टर्न या फिर कंडेंस, किसी चीज़ को छोटा बना देना। ठीक है, अब ये सारे वर्ड को इस्तेमाल करके कोई कहानी बना लेना है, ताकि इन वर्ड्स को हम आसानी से इस्तेमाल कर सके और इसका जो मतलब है वो ज़्यादा दिनों तक हमारे जहन में रह सके। तो देखिए यहाँ पे एक कहानी बनी हुई है, इसे पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ बोलता है, एज माई ऑल एफर्ट्स टू ओन अ कार आर अबॉर्टिव, है ना, मेरा कार लेने की लिए मैंने जो भी कुछ प्रयास किया था वो सारा क्या हो गया, विफल हो गया। तो उसे क्या बोलना है हमें, एज माई ऑल एफर्ट्स टू ओन अ कार आर अबॉर्टिव, सारे प्रयास क्या हो गए, विफल हो गए, तो मैंने क्या किया, सो आई अब्रिज माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लाइफ, तो लाइफ के
पास से मेरे जो भी एक्सपेक्टेशंस थे कि मैं लाइफ में ये चाहूँगा वो चाहूँगा, तो ये मैंने क्या कर दिया, अब्रीच कर दिया, मतलब क्या कर दिया, छोटा कर दिया। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दिया इसने, छोटे एक्सपेक्टेशंस रख लिए उसने ना, छोटा कर लिया। एंड एबनीगेट विथ माई सेल्फ, और माई सेल्फ यानी खुद के साथ में क्या कर लिया उसने, सेक्रीफाइस कर लिया, सेल्फ सेक्रीफाइस, एबनीगेट विथ माई सेल्फ। नेक्स्ट क्या बोलता है, बट आई स्टार्टेड कार अब्लूशन बिजनेस। फिर मैंने क्या शुरू किया, कार तो नहीं मैंने ओन नहीं कर पाया, तो मैंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। कौन सा, कार अब्लूशन बिजनेस यानी कार वॉशिंग बिजनेस स्टार्ट किया, इन विच आई एबोलिश ऑल डलनेस ऑफ द कार। उसमें मैं क्या करता था, कोई भी गंदी कार आती थी तो उसका डलनेस मैं एबोलिश कर देता था। एबोलिश मतलब क्या, उसे कैंसिल कर देता, पुट एन एंड टू कर देता, उसमें ख़त्म कर देता उसके डलनेस को। डलनेस ऑफ कार, जो डलनेस है, विच इज़ एबोमिनेबल टू द ओनर, जो कार के ओनर को एबोमिनेबल है, मतलब डिटेस्टेबल है, वेरी अनप्लीजेंट है उसके ओनर के, जो पसंद नहीं आ रहा है डलनेस उसका, है ना, तो वो एबोमिनेबल है उसको, तो मैंने उसे एबोलिश कर दिया। फिर बोलता है, आई वॉज वेरी एब्रेसिव विथ माई करियर, मैं अपने करियर के साथ बहुत ही अब्रेजिव हूँ, हार्श हूँ, रबिंग अवे हूँ, है ना, मैं थोड़ा सा मतलब खुद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहा है ना, तो इसलिए वो हार्श है, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करना चाहता है, इसलिए वो अपने करियर के साथ में क्या है, थोड़ा एब्रेसिव है। बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एबोरिजिनल इन द कार एवोल्यूशन बिजनेस, क्योंकि वो एबोरिजिनल बनना चाहता है ये कार एवोल्यूशन बिजनेस में। एबोरिजिनल मतलब क्या, वो एक इसमें फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बनना चाहता है इसमें, है ना, वो खुद ही बंदा अकेला ऐसा इतना अच्छा कार धोता है, इस टाइप के लेवल तक उसे अपने को बनाना है। जैसे एक बार फास्ट में देख लेना है, ताकि ये वर्ड अपने आप उसके मतलब हमें ध्यान में आ जाए। एज माई ऑल एफर्ट्स टू ओन अ कार आर एबॉर्टिव, सो आई अब्रिज माई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ एंड एबनीगेट विथ माई सेल्फ, बट आई स्टार्टेड कार एवोल्यूशन बिजनेस इन विच आई एबोलिश ऑल डलनेस ऑफ कार विच इज एबोमिनेबल टू द कार ओनर। आई वॉज वेरी एब्रेसिव विथ माई करियर बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एबोरिजिनल इन दिस कार एवोल्यूशन बिजनेस। ठीक है दोस्तों, तो आज के वर्ड आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, यही आशा करता हूँ। और अगर ऐसा हुआ है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।